चक्कर की शुरुआत कुछ इस तरह होगी। जैसे हम एंटर करते हैं हमें सब चीज़ पता चलती है। जैसे हम करते हैं अभी ये लेफ्ट है, हम उसी तरह जा रहे हैं जैसे कि यहाँ पर 3 फ्लोर्स है और हमें 8 फ्लोर पे रहते हैं, तो हमें जाना होगा 8 फ्लोर, तो आपको वेट करना होगा। बहुत सुंदर सी लिफ्ट है, अगर दिखाओ तो मीडियस भी इस साइड पे। तो चलते हैं हम कुछ इस 8 फ्लोर पे। यहाँ पे बहुत अच्छी खासी है, देखिए लाइटिंग बहुत सुंदर है, जैसे दिखेगा आपको 8 फ्लोर है, ठीक है। और ये कुछ इस तरह व्यू होता है, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो एंट्रेंस का समझ आए तो कुछ इस तरह होगा, जो कि बहुत सुंदर व्यू है ऐसा मुझे लगता है। चलते हैं एंटर की ओर। ये हमारे घर का शो रैक है, ओपन कर रही हूँ। बहुत छोटा सा और बहुत सपनों का घर है। अगर इस तरह दिखाओगे तो यहाँ पे एक डाइनिंग या एक लिविंग रूम है, क्योंकि जिसका साइज मुझे नहीं पता बट मैं आपको दिखा सकती हूँ, जिसमें हमने एक सोफा रखा है और कुछ इस तरह होगा। अगर व्यू देखा जाए तो इतना सुंदर है ये, कुछ इस तरह दिखती है हमारी बिल्डिंग भी, बट ये फ्रंट व्यू है जो कि बहुत सुंदर होता है इसका व्यू। ये हमारे छोटे से एक ही प्लांट लगाया मैंने अभी, और ये मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ बैठ के कॉफ़ी लेते। खैर अभी तो मेरे हस्बैंड घर पे नहीं। और ये हमारा एक लिविंग एरिया, बहुत ही प्रॉपर ऐसा लगता है मुझे, मैंने बनाया है कि स्पेस बहुत कम की वजह से, लेकिन एक सफिशिएंट घर है। ये हमारे एक मंदिर, एक छोटा सा मंदिर मैंने बनाया है, ये हमारे गणपति पप्पा छोटे से, और इस तरह से रैक्स बनाया है। ये आपको डब्बे लग रहे होंगे कि ये ट्रांसपेरेंट क्यों है, ये मेरे हस्बैंड कुछ भी डब्बे दिखे ना वो ओपन करके खाते नहीं हैं इसलिए। और ये गैस पे एक ऐसा स्टील का गैस लिया है जो कि यहाँ रखने के लिए बहुत अच्छा स्पेस मिला है इसलिए, जो कि मुझे लगता है ऐसा सही होगा। और अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है, और ये कुछ एक ड्राई बालकनी का कंसेप्ट है जो अभी यहाँ चल रहा है, जो कि मैंने इस तरह कुछ एक ये बनाया और ये बनाया है ड्राई बालकनी में। बहुत सारी चीज़ें बाकी है बट मुझे लगा दिखाना चाहिए, मेरा सपनों का घर, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये इस तरह से एक व्यू होगा आपका किचन से कुछ इस तरह, क्या ये रेंट पे अभी फ़िलहाल, अभी ये हमारा पेंडिंग है लेना, फ्रिज भी पेंडिंग है लेना। लिविंग कुछ इस तरह से दिखेगा हमारा। चलते हैं बेडरूम की तरफ। ये एक एरिया है और यहाँ पे एक कॉमन वॉशरूम है, जिसका लाइट ऑफ है, मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत सुंदर से बनाया है बट हमने अभी कुछ बनाया नहीं है, बहुत जल्द ही बना लेंगे। और ये कुछ एक अभी कल ही मैं आई हूँ इसलिए ये वैसे पड़ा हुआ आपको दिखेगा, लेकिन ये एक मेरा वर्क फ्रॉम होम का सेटअप है जिस पर अभी मैं वर्क फ्रॉम होम नहीं कर रही हूँ फिलहाल। और इसमें भी एक आपको एक प्यारा सुंदर सा एक व्यू दिखेगा कुछ इस तरह, अगर मैं ये खोल तो ये इस तरह से व्यू दिखेगा। तो ये एक इस फ्लैट में, इस मेरे घर पे, एक मेरे सपनों के घर में एक इतना डिफरेंस नहीं है वो बेडरूम और ये बेडरूम में। और ये एक मेरा
छोटा सा ड्रेसिंग, इसको ओपन भी होता है ये इस तरह, इस तरह से ऐसे मैंने बनाया है। और ये मेरे हस्बैंड का वार्डरोब है, इसको मैं नहीं खोलूँगी क्योंकि ये अभी आधी खाली है, और ऊपर इसलिए कार्टून रखे हैं, इसको आपको बाद में नेक्स्ट में पता चलेगा इस कार्टून का क्या होगा। और ये एक मेरा कह सकते हैं सपनों का बेडरूम, जो हर एक एक लड़की का और एक वुमेन का और एक मदर का और एक सिस्टर का, हर किसी का एक ड्रीम होता है कि मेरा एक बेडरूम हो, ऐसा हो। एटलीस्ट बेसिक चीज़ें हो जो मैंने रखा है, एक वार्डरोब और एक बेड, तो मैंने एकदम बेसिक चीज़ें रखी है जो कि घर कंजेस्टेड ना, मुझे नहीं पसंद ज़्यादा कंजेस्टेड। सो मैंने एक बेडरूम, एक और इस रूम की खासियत ये है कि मुझे ये वुड टाइल्स बहुत पसंद आती है, इसलिए मैंने ऐसे ऐसे बनाया। बहुत थीम बहुत कॉमन है, और ये कर्टन लिए बहुत, बस यहाँ से व्यू थोड़ा अलग है और कुछ ज़्यादा सुंदर है क्योंकि आगे वालों का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, आगे वालों का कोई घर नहीं दिखता। अगर उस बेडरूम से आप देखोगे तो अब भी ऐसे दिखेगा, तो यहाँ से नहीं दिखेगा। तो इस तरह था मेरे घर की जर्नी, एकदम छोटी, एकदम छोटे लोगों का घर लेकिन बिग हाउस, ड्रीम हाउस ऐसा मुझे लगता है। और मेरे खुद के लिए ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है, मैं ऐसा सोचती हूँ। ये इस तरह से दिखेगा आपको घर, और इसको हमने सिलेक्शन करने में बहुत प्रॉब्लम्स आई है, मुझे और मेरे हस्बैंड को। हम दोनों ने बहुत ही, मतलब सुबह 8 बजे निकलते थे और रात को 10 बजे हम लोग आते थे, तो फाइनली हमें ये सिलेक्ट हुआ है इस तरह से घर। यहीं पर मैं फिनिश करती हूँ।